मित्रों जय श्री राम, मैं ब्रजेश पांडे आज अपने YouTube चैनल पर आप सबके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां लेकर के आया हूं। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि BA BCOM ये जो दो मेन सब्जेक्ट होते हैं इनका रिजल्ट कब आएगा। यस, ये जैसा कि मैंने पहले भी प्रेडिक्शन किया था, आपका एग्ज़ाम आते आते जुलाई तक पहुँच गया था। तो मेरा प्रेडिक्शन जो कहता था, मैंने कहा था अगस्त मिड तक आ जाएगा। मेरे प्रोडक्शन में तो सितंबर फर्स्ट वीक की भी बात कही थी कुछ सब्जेक्ट के लिए, लेकिन 6 तारीख को अभी तक टोटल 115 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। और मैं लिंक आपको दे देता हूँ, जिस पर क्लिक करते ही केवल आपको मई सेलेक्ट करना, ध्यान रखना है एग्ज़ाम का मंथ आपको मई जून लेना है। और रिजल्ट में आपको प्यारा नंबर डालना है, कैप्चा डालना है। अगर कैप्चा नहीं रिन्यू हो रहा है तो नहीं रिफ्रेश हो रहा है तो आपको ब्राउज़र बदलना है। मान लो क्रोम पर कर रहे हैं तो आप फायरफॉक्स पे चले जाइए, या सफारी पर चले जाओ, या कोई भी बदल लो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर के कई वर्जन्स होते हैं उन पे आप जाकर देख सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि धीरे धीरे आज 10 तारीख हो गई और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लास्ट अपडेटेड रिजल्ट जो है 6 अगस्त का है। अभी तक 115 सब्जेक्ट जिसमें MA MSc BA अदर्स के भी रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है वाइसमो का, वो होता है बीकॉम का। तो यूनिवर्सिटी भी चाहती है छोटे छोटे सब्जेक्ट जो हैं पहले उनका रिजल्ट देकर के बच्चों को निश्चिंत किया जाए। कृषि का रिजल्ट भी आ गया है। अब बात फंसती है कि बीकॉम MBA और BA MCOM इन सब का रिजल्ट कब आएगा। तो मेरा प्रेडिक्शन जो कहता है वो आज तो हो गया, एक तो आप या फ्राइडे इसको सैटरडे मानिए, नहीं तो 16-17 अगस्त तक, क्योंकि 15 अगस्त है तो थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी में तैयारियां रहती हैं, छोटे बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं, तो 16-17 अगस्त मानकर चलो। इन एकदम ऐसी कंडीशन है जो कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए तो जाकर के भी हर हाल में 20 तक आपको रिजल्ट यूनिवर्सिटी दे देनी चाहिए, मेरा प्रेडिक्शन कहता है। और जो भी सब्जेक्ट जिनका एग्ज़ाम लेट हुआ था उन सबके रिजल्ट यूनिवर्सिटी प्रतिबद्ध है कि अगस्त में आपको हर हाल में रिजल्ट दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि आपको अपने PG के या नेक्स्ट क्लास के एडमिशन लेने, फिर से एक बार याद करा दूँ कि जो YCMU में ही एडमिशन ले रहे हैं, जैसे FY का एग्ज़ाम दिए हैं SY में लेना है, SY का दिए हैं TY में लेना है, और जिनके रिजल्ट नहीं आए घबराइए नहीं, आप जाकर रिजल्ट के बिना ही एडमिशन लीजिए। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी का नियम है, सारे में फेल है, सारे में एबसेंट है तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा। जी हाँ, लेकिन जिन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या जिनका पेपर रह गया है उसके लिए आपको ATKT भरना है। जी, अब अगला क्वेश्चन, ATKT का फॉर्म कब आएगा? जैसे ही सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाएंगे, मान लो अगस्त तक सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाते हैं, सितंबर में ATKT का फॉर्म आ जाएगा। 15-20 दिन मिलेगा ATKT का फॉर्म भरने के लिए, हो सकता है अगस्त के लास्ट वीक में ATKT का फॉर्म जनरेट कर दें, सितंबर पूरा रहेगा, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में आपके ATKT के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप एग्ज़ाम देकर के बाकी सब्जेक्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ये तो रहा रिजल्ट के बारे में, आ जाइए एडमिशन पर। एडमिशन की लास्ट डेट 15 अगस्त ही है। जी हाँ, विदाउट लेट फी, लेट फी के साथ आपको 30 अगस्त तक की तारीख दी जाएगी, अर्थात 20 दिन और हैं, तो फटाफट आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर कराइए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूँ, UGC ने भी अभी तक यूनिवर्सिटी को किसी को भी इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि लास्ट डेट एडमिशन की क्या होगी, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है विदाउट लेट भी एडमिशन बढ़ के अगस्त तक हो जाए, 30 अगस्त तक, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो अभी डेट मानी है उस पर हमें चलना है, उस पर हमें पालन करना है। अब MBA का बहुत सारा क्वेरी आ रहा है, सर MBA में एडमिशन नहीं हो रहा, MBA का एंट्रेंस समझ में नहीं आ रहा, तो MBA की एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें स्पष्ट रूप से डेट बता दे रहा हूँ, 28 अगस्त तक आपको हर हाल में यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस मतलब टेस्ट देना है, टेस्ट मतलब बिना टेस्ट के MBA में एडमिशन नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आप दे दीजिए, उसके बाद तुरंत ही रिजल्ट देंगे वो लोग एग्ज़ाम के बाद, और तुरंत आपका एडमिशन हो जाएगा। उसकी भी लिंक दे रहा हूँ वीडियो में, लिंक देखिए, दूसरों को भेजिए। अगर किसी बच्चों का मान लो मेरे वीडियो बनाते बनाते रिजल्ट पब्लिश हो गया और फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, result@ycmu.digitaluniversity.ac पर आपको ईमेल करना है। अगर कोई बहुत समस्या और कोई प्रॉब्लम है तो brijeshpande99@gmail.com पर आप संपर्क करके, ऐसा कोई प्रश्न जो आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, पर्सनल लगता है, मुझे आप भेज सकते हैं, हम उस पर बैठकर चर्चा करेंगे। आपकी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये मत घबराइएगा, सर आपको तो MCOM या MSc में कहीं बाहर एडमिशन लेना है और अभी तक यहाँ का रिजल्ट नहीं है। डोंट वरी, जब तक यहाँ का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वहाँ का अंतिम डेट दूसरी यूनिवर्सिटी का नहीं होगा। एक बार और बता दूँ कि कोई भी स्टूडेंट YCMU से पढ़कर किसी भी यूनिवर्सिटी में
कहीं भी जाकर के रेगुलर डिग्री ले सकता है, चाहे एमबीए, एमकॉम, एमएससी, कुछ भी हो, और कहीं से भी आके वो आईसीयूएम डिग्री ले सकता है। और जल्दी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें बताऊँगा कि आईसीयूएम करने के बाद भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसे एडमिशन मिलेगी, कैसे आपको बड़ी कंपनियों में जॉब मिलेगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको आप सब्सक्राइब चैनल करते हुए आगे बढ़िए और शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को सांत्वना आए कि यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आने में विलंब क्यों हो रहा है। मिलेंगे नए कमेंट के साथ। जय श्री राम।